क्योंकि उसने इतना रुदन किया उतना दुनिया में कोई रोया नहीं होगा जितना रावण रोया। उसकी उंगलियां जब पिस गईं तो चिल्लाने लगा, रोने लगा। अंत में रोने के बाद उसने भगवान से प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो भगवान शंकर आशुतोष प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो कृपा कर दी, हाथ हो तब ठीक हो गया। फिर उसने मृदंग बजा करके अपने 20 भुजाओं से मृदंग बजाते हुए रावण ने भगवान शंकर की स्तुति की। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम इत्यादि स्तोत्र पढ़ करके रावण ने भगवान शंकर की स्तुति। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि जिसका जैसा स्वभाव होता है ना उसकी वाणी भी वैसी निकलती। जो सरल है, प्रेमी है, भावुक है, उसकी वाणी भी उतनी ही भावुक और सरल और प्रेममयी होती है। गोस्वामी जी भगवान की स्तुति करते हैं तो कितने मधुर शब्दों में, श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय कारुण। और रावण बोले, रावण जितना कठोर है, जितना उद्दंड है, ऐसे ही कठोर शब्द उसके मुख से निकलते हैं। डमट 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 निनाद वट डमर वयम, जैसे लड़ाई कर रहा हो हमारा चकार चंड तांडवम, ऐसे कठोर शब्द मधुर शब्द नहीं निकलते। क्यों? बोले प्राणी का जो स्वभाव होगा वैसे ही शब्द निकलेंगे, वैसा ही व्यवहार होगा। ये सब हुआ। अब तो महाराज ब्रह्मा जी से सब कहने लगे। भगवान उसी समय प्रकट हो गए उन देवताओं की सभा में और भगवान से देवताओं ने कहा, भगवान ने कहा बस बस हम दशरथ जी के बेटा बनने जा रहे हैं, ये यज्ञ करेंगे और मैं इनका पुत्र बन करके प्रकट हूं। श्रृंगी महर्षि ने यज्ञ किया, आहुति प्रदान की, अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए और उस चरु को दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया और चार आने का दो हिस्सा किया, दो दो आना, तो दो आना केकई जी को और दो आना फिर सुमित्रा जी को। 8 आने से राम जी का प्रादुर्भाव, 4 आने से लक्ष्मण जी का और 2 आने से भरत जी का और 2 आने से शत्रुघ्न जी का। ये विभाजन रहा चरु का और इस प्रकार तीनों रानियां अंतर्वत्नी हुई और जब से भगवान गर्भ में आए तब से अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी महाराज। जा बिनते हरि कर आए सकल लोक सुख सब पति जाए, जा बिनते हरि कर आए सकल लोक सुख सब पति जाए, मंदिर मां सब राजे सुख जुत कछुक काल ही चल गयो, सुख पूर्वक वो काल बीत गया। कौन सा काल? बोले दोहदावस्था, गर्भावस्था। कितना दिन बीता? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 11 महीने 24 दिन। साधारण बालक पैदा होता है 9 महीने 9.5 महीने, यहां तो 11 महीने 24 दिन बीत गए। 6 दिन बाकी रहा 1 वर्ष पूरा होने में। ततश्चद्वादशे मासे ऋतूनां षट्समत्ययुः ततो यज्ञे समाप्तेतु। यज्ञ के समाप्त होने के बाद 6 ऋतुएं बीत गई। चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, माताओं ने चरु भक्षण किया,
अंतरवत्नी हुई, भगवान गर्भ में आए। और चैत्र की पूर्णिमा से अगले वर्ष में जब चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी आ गई, 6 दिन बाकी रहा पूर्णिमा आने में, तब भगवान प्रकट हुए। ये हिसाब है महाराज, एक एक दिन का हिसाब ले लो। 11 महीने 24 दिन भगवान गर्भ में रहे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ। 12वां महीना आ गया, नौमी तिथि आ गई। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग लगन बार तिथि सब अनुकूल। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, बसंत ऋतु, सूर्य उत्तरायण, नौमी तिथि, मंगलवार दिन, अभिजित मुहूर्त, पुनर्वसु नक्षत्र, ये सारे योग एकत्रित हुए और भगवान के प्रकट होने की वो मंगलमयी बेला आ गई। जब भगवान के प्रकट होने की बेला आई तो पहले देवता आए स्तुति करने के लिए। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, प्रोद्यमाने जगन्नाथम, भगवान जगन्नाथ प्रकट होने जा रहे हैं। ये जगन्नाथ शब्द का प्रथम प्रयोग महर्षि वाल्मीकि राम जी के लिए करते हैं। हमारे राम जी ही तो जगन्नाथ हैं और राम जी ही यदुनाथ हैं, वही नरसिंह है, वही वामन है, वही कृष्ण है, ठाकुर रघुनाथ जी। जगन्नाथ प्रभु प्रकट होने जा रहे हैं, सब कुछ अनुकूल हो गया, लेकिन दास दासी तो निश्चिंत होकर के घूम रहे थे। क्यों बोले, दास दासी को तो लगा कि भाई 9 महीने पर बेटा बेटी पैदा होता है। 9 महीना बीत गया, 10 महीना भी बीत गया, कोई लक्षण नहीं। तो दास दासियों ने सोचा, यहां तो कुछ पता ही नहीं है कब होगा, तो जब होगा तो देखा जाए। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। माँ कौशल्या अपने प्रसूति कागार में बैठी थी, अपने महल में बैठी थी। मध्यान्ह की वेला थी, माँ कौशल्या अपने पलंग पर बैठी हुई पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। मध्यान्ह की वेला थी, माँ कौशल्या ने सोचा वो समय कब आएगा, कब बालक प्रकट होगा, कब मैं लाल का मुख देखूंगी, ये सब माँ कौशल्या सोच रही थी। तब तक माँ कौशल्या के सामने अचानक प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ। ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ कि पूरा कक्ष प्रकाश में, माँ कौशल्या की आंखें चौंधिया गई।